बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं साइलेंट स्टडी टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर हम करेंगे 9। 10 और 11 क्योंकि सेम पार्ट्स हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जल्दी से हम पार्ट नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने नोट डाउन कर लिया है, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि हम एक सेम ही सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, कि हमने आंसर ई के इक्वल लाना होता है, और वो किस तरह पॉसिबल होता है कि जो हमारे पास इसकी पार है वो फ्रैक्शन के ऑपोजिट हो, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो अंदर हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने के लिए ये एक हमारे पास रूल होता है कि ये पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है, रूल कह लें, या आप ये कह सकते हैं कि जब हम अंदर कोई चेंजिंग लाते हैं तो हमें इसकी जो हमारे पास पावर होती है उसमें हमें चेंजिंग लाना पड़ती है। तो x अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब क्या करेंगे हम आगे, ये जो है हमारे पास ये फ्रैक्शन, इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, लेट सपोज़ 1/x और एक्स बाय एक्स, ठीक है, इस तरह आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में इस चीज़ की इजाज़त है। इतना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चलें जी। इस स्टेप से आगे हम चलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक करेक्शन है, वो ज़ीरो नहीं था, इन्फिनिटी था, ठीक है, एक्स को एक्स से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो होगा प्लस 1, ठीक है, और यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू जो है पार में वो माइनस एक्स थी। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ज़ीरो नहीं है, इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहा है, ठीक है x। अब हम आगे क्या करेंगे, 1 इधर लिखें या इधर, पॉजिटिव में है तो हम दोनों साइड पे लिख सकते हैं। उसके लिखने की वजह ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ हमारे पास माइनस का x है, लेकिन 1 प्लस 1 बाय एक्स तो आ गया है, लेकिन यहाँ माइनस का नहीं है तो हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1 मैंने इसलिए यहाँ लाया ताकि एक करेक्ट वे में आपको मैं बता सकूँ, क्योंकि e की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस 1 बाय एक्स के इक्वल होती है, और अगर पावर में भी x हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम एक सिंपल सा स्टेप करेंगे, वो क्या होगा कि हम माइनस को कॉमन में ले लेंगे, एक्स है तो इसमें से आप माइनस 1 कॉमन ले लें, ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स ये हो सकता है। अब इस सारी जो हमारे पास है, अगर हम इस पे लिमिट अप्रोच करवा दें तो ये ई के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास जो ये माइनस 1 है ये पावर में एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम वीडियो एंड कर सकें जी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी हमेशा की तरह समझ आ गया होगा। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स समझा सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।